हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोड के बोथ साइड या बीच के बोथ साइड जो क्रैश बैरियर होता है, फुटपाथ होता है, उसके बारे में। ओके, तो अभी क्या है, अभी फुटपाथ की कास्टिंग हो रही है। जब देख रहे हो फुटपाथ की बार बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है, स्लैब के साथ ही अटैच होता है इसकी बार। फुटपाथ और क्रैश बैरियर का जो बार होता है स्लैब के साथ ही अटैच होता है, तो स्लैब की कास्टिंग हो चुकी है। कैंटिलीवर पोर्शन में दोनों स्लैब के आउटर पोर्शन में होता है। ओके, तो अभी इसकी कास्टिंग चल रही है। हमने क्या किया, पहले फुटपाथ का रिंग बनाया, ये आप रिंग देख रहे हो, हमने रिंग प्रोवाइड किया। 330 mm की कास्टिंग है फुटपाथ की, और टोटल जो विड्थ है इंक्लूडिंग क्रैश बैरियर वो 1200 mm है, 1200 mm है। तो अभी शटरिंग में जो कास्टिंग हो रही है, ये आप देख रहे हो, ये 12 mm की रिंग बांधी हुई है, और बाइंडर मेरा 10 mm का है। आउटर पोर्शन में तो क्रैश बैरियर है। अभी क्या, यहाँ से इस प्लेट से और ये क्रैश बैरियर की इनर में हमारा 700 mm है, 750 mm, और क्रैश बैरियर की जो विड्थ है वो है 450 mm, टोटल 200 mm है। अभी बोथ साइड में है ये, आप देख रहे हो। किसी किसी ब्रिज में एक रेलिंग होती है, हमारी ब्रिज में अप्रोच जो है, अप्रोच के दोनों तरफ रेलिंग है, तो अप्रोच रेलिंग का जो वर्क होगा तो मैं आपको रेलिंग के बारे में बताऊंगा। फिलहाल अभी हम फुटपाथ की कास्टिंग होगी, तो इसके फुटपाथ की जब कास्टिंग हो जाएगी उसके बाद से क्रैश बैरियर की कास्टिंग होगी। क्रैश बैरियर की कास्टिंग जब यहाँ तक कंप्लीट होगी उसके बाद से स्ट्रेट ये 100 mm होगा, फिर इसके बाद से 250 mm का स्लोप होगा, और फिर उसके बाद से स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, तो मैं अभी आपको इसके BBS के बारे में, फुटपाथ के BBS के बारे में बताऊँगा। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग फुटपाथ और क्रैश बैरियर की BBS के बारे में देखेंगे। ओके, ये मेरा क्रॉस सेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको अपने स्लैब के ऊपर में दिखाया। टॉप में मेरी विड्थ रहेगी 200 mm, उसके बाद से ये फुटपाथ मेरा हो जाएगा 350 mm का, 350 mm, उसके बाद से फुटपाथ के ऊपर से जो मेरी हाइट होगी वो 150 mm है। ये गिवन है अकॉर्डिंग टू DPR, यहाँ के कंडीशन के अनुसार, यहाँ के DPR के अनुसार से ये गिवन है। आपके साइड पे आपके DPR में कुछ डिफरेंस हो सकता है। ओके, तो इधर साइड आउटर साइड में है, और इनर साइड में जब हम फुटपाथ की कास्टिंग कर लेंगे, ये फुटपाथ की जो बार होगी वो स्लैब में इंसर्ट होगी, जो कैंटिलीवर पोर्शन होगा स्लैब का, उसमें इसकी बार जो रिंग होगी, यहाँ आप देख रहे हो रिंग दी हुई है, ये रिंग फुटपाथ में इंसर्ट होगी। ओके, तो यहाँ जब करेंगे उसके बाद से 100 mm में स्ट्रेट होगा, फिर 250 mm का स्लोप होगा, उसके बाद से 500 mm स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, अभी इसके BBS के बारे में देखते हैं। आप देखो, पहला जो हमने देखा है फुटपाथ का, ये फुटपाथ को 1200 mm हमारा लेंथ दिया हुआ था, ये फोर यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ अलग होगी, और उसके बाद से ये लेंथ यहाँ, ये जो मेरा फुटपाथ था ये, तो 450 mm और ये 750, तो 1200 mm ये हमारा गिवन है कंडीशन। तो आप यहाँ देख रहे हो 1100 mm की कटिंग लेंथ हुई है, 50-50 mm मेरा कवर हो गया, यहाँ भी 1100 mm, तो ये मेरा रिंग की कटिंग लेंथ हो गई। 12 mm का रिंग है, कटिंग लेंथ है, और ये नंबर ऑफ पीस है, वेट है, ये तो वेट पर मीटर का दिया हुआ है, आपको वेट दिया हुआ टोटल में। ओके, उसके बाद से इसमें जो बाइंडर है वो 10 mm का बाइंडर होगा, 16 नंबर बाइंडर होगा। उसके बाद से ये जो मेरा रिंग ऊपर में बनेगा, आप देखो इसकी कटिंग लेंथ कितनी दी हुई है, टॉप में जो 20 उसकी 132 mm दी हुई है, उसके बाद से 1250 mm दी हुई है, यहाँ तक ये टॉप तक बॉटम तक जाएगा। ठीक है, अंदर साइड में 100 1092, उसके बाद से इसकी जो लेंथ दी है 192 mm दी हुई है। ओके, ये जो बार है, ये बार इसमें इंसर्ट होगा। आप यहाँ ये जो आप ये कंडीशन, जब उस रिंग को हम ऐसे सेटअप करेंगे, ये जो रिंग, ये वाली रिंग जो है, ये जो रिंग है यहाँ सेट होगी, ये वाली जो रिंग होगी वो यहाँ आएगी, यहाँ से आप ये होगी, उसके बाद से ये ऐसे स्लोप में जाएगी, स्लोप में फिर यहाँ से स्ट्रेट हो करके, और उसके बाद से ये रिंग ऐसे हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से इस रिंग का सेटलमेंट होगा। तो इसकी जो लेंथ दी हुई है हमारी, आप देख रहे हो 170 mm, 610 mm, 290 mm और 190, बोथ बार मेरी 16 mm की है, 274 नंबर दोनों लगेंगे। हर रिंग में ये बार इंसर्ट होगा आपका, और ये जो बार होगा वो हमारे जो फुटपाथ है
जिसकी रिंग, ये आप रिंग यहाँ देख रहे हो उसमें इंसर्ट होगी, और ये जो रिंग है वो कैंटिलीवर में, जो ब्रिज के कैंटिलीवर साइड में होता है उसमें जाके लगेगी। ये भी बार आपकी, ये जो बार है ये भी बार आपकी ब्रिज के कैंटिलीवर की जो बॉटम रॉड है उसके टॉप पे होगी। ओके, जो बॉटम रॉड हमारा आएगा, ये जो बॉटम रॉड है हमारा कैंटिलीवर का, यहाँ से जो रिंग आएगी वो इसके टॉप में होगी। ओके, इसके नीचे कवर हमारा 50mm का रहेगा और ऊपर भी 50mm का कवर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा क्रैश बैरियर का BBS हो गया, जो रोड या फिर ब्रिज के बोथ साइड में होता है। आप कलवर्ट भी देखते हो, वहाँ कलवर्ट के साइड में भी क्रैश बैरियर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके इसमें जो बाइंडर लगेगा वो 12mm का बाइंडर है, 24 नंबर बाइंडर है। आप इसको देख लीजिए, ये चारों पॉइंट अपना क्लियर हो गया। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।